मेरा नाम आयुष तोमर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेड़ा। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला खेड़ा है। तो पहले हमारे घर के पीछे ये खेड़ा है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम खेड़े की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपना ये घर है पुराना, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सफर शुरू हो रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं और पुराना टाइम धीरे धीरे आप देख सकते हैं अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। आपको थोड़ी हैरानी होगी इसे देखने के बाद। ये देखिए, इसे हम खेड़े के नाम से जानते हैं। और ये है वो पुरानी ईंटें जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये देखिए, ये एक ईंट है, इतनी बड़ी है। लगभग मैं अपने हाथ के हिसाब से दिखाऊं तो ये मेरी कोनी, देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ये एक ही ईंट है, ये देखिए, ये आज की नॉर्मल की ईंटें हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। और ये खेड़े में से निकली ईंट है पुरानी, देख सकते हैं। मैं इसका साइज आपको दिखा देता हूँ, आज की ये जो नॉर्मल ईंट है इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईंट कितनी बड़ी थी। एक ईंट थोड़ा सा यहाँ पे इसका पुराना वो देख लीजिए, क्या क्या टूट टूट के गिर रहे हैं धीरे धीरे। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे पुराने जमाने की दबी हुई चीजें हैं। यहाँ पे मैं आपको एक हड्डी दिखा सकता हूँ, ये देखिए हड्डी है किसी जिनावर वगैरह की, ये रही हड्डी, देख सकते हैं ये साफ साफ हड्डी ही है। इसमें काफी चीजें फंसी हुई हैं पेड़ की जगह। वो देखिए हड्डी, एक और हड्डी मिल गई मुझे, अरे मैं गिरने वाला हूँ। ये देखिए, ये किसी चीज़ की हड्डी है, ये वाकई में असली हड्डी है, ये देख सकते हैं आप पास से, ये वाकई में हड्डी असली। ये देखिए पुरानी चीज़ें दबी हुई हैं यहाँ पे, घड़े मटके ईंटे, एक ईंट आपको दिख रही होगी ये वहाँ पे, जहाँ पे मेरी उंगली, यहाँ पे एक ईंट है। तो ये अपना खेड़ा है, समझ में नहीं आ रहा ये पलटा है, अगर ये पलटा हुआ है तो ये हड्डियों का होना मुमकिन है, पर लोग कह रहे हैं कि इसे बनाया गया है। अगर बनाया गया तो लोगों को थोड़ी ना, लोगों को कैसे ऐसे क्यों दफनाया गया होगा या जो भी जानवर वगैरह हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा ये गोला सा क्या है, यहाँ पे आपको एक गोल गोल दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल। मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ एक बार, देख सकते हैं फिर हम इसे पास से क्या है ये गोला सा, ये बोल टाइप का क्या है, आ गया। ये लड्डू सा क्या है भाई, मुझे ये लड्डू सा मिला है, कुछ बोल टाइप का पता नहीं क्या है, ईंट का बना हुआ है, पत्थर है या ईंट है। मैं एक बार इसे द्वार में मार के दिखा देता हूँ आपको कि वाकई नहीं है क्या चीज, बोल टाइप का इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, देखिए क्या है ये, थोड़ा ध्यान से, धीरे धीरे टूट टूट के इतनी ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है। एक ईंट आपको दिख रही होगी, काफी बड़ी ईंट है यहाँ पे। ये जो आप होल देख रहे हैं, ये होल चिड़ियाओं ने बनाए हैं खुद, ये चिड़ियाओं के घर हैं। जैसे कि अलग अलग चिड़ियाओं के अपने रहने का अलग घर होता है, तो इनमें चिड़िया रहती हैं अलग अलग तरह की, किसी में उल्लू, किसी में तोते, किसी में कबूतर, इस टाइप से। वो सुबह में दिखाई देंगे, अब दोपहर का टाइम है तो अभी कुछ यहाँ पे पंछी नहीं दिखाई दे रहा। मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड से इसका बात करेंगे थोड़ी देर में, ये देखिए आप इसे एक बार करीब से देख लीजिए अच्छे से। ये पेड़ों की जड़ों की वजह से अभी रुका हुआ है यहाँ पे, जड़ इसमें फैली हुई है अंदर, नहीं तो धीरे धीरे टूट के गिर रहा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे टूट कर कितनी मिट्टी जमा हो चुकी है यहाँ पे, और ये गिरता रहता है, बारिश में गीली होती है मिट्टी। आप यहाँ पे ईंटें मटके वगैरह टूटी पुरानी चीज़ें यहाँ पे फिर से आपको ईंट मिलेंगे देखने को। और मैं थोड़ा सा और पीछे जाके इसका व्यू अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, चलिए पीछे चल, देख सकते हैं और पीछे से इसका व्यू कुछ इस तरह का है। अजीब चीज है काफी, आप वहां पे देख सकते हैं ऊपर की साइड वहां पे दीवार है, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ एक बार। देखिए दीवारों को यहाँ पे एक तरह की दीवार सी है, आप देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस खेड़े में दीवार निकल के आ गई अंदर, पता नहीं क्या है ये चीजें, दीवार किसने बनी है, किस लिए है ये दीवार। चलिए थोड़ा सा और पास चलते हैं इसके, देख लेते हैं, ये रही वो दीवार, थोड़ा पास से देख लेते हैं और जूम कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें इसमें शायद इतनी बड़ी ईंटें नहीं है,
पुरानी जो खेड़े के अंदर निकल रही है, चौड़ाई जो है 10 इंच, मोटाई 3 इंच और जो वजन इसका है 12 किलो 170 ग्राम है। जो अभी का वजन है इसका, जो अब वजन है इसका। ईंटों के रोड़े निकलते हैं पुराने टाइम के, ढोल टाइप के, उनका कोई आकार नहीं है, ऐसे बिना आकार के निकलते हैं ना, जो गांव में थे मौजूदगी में, तो उनसे हिसाब से होगा तो कुछ किला वगैरह फाज के रोड़े टूट टूट के ऐसे। मतलब पहला कोई किला वगैरह था यहाँ पे, कोई शासन कर रहा होगा, कहाँ रोड़े इतने आए कहाँ से, बहुत गांव। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी मतलब लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह उसमें वो ढह गया हो या टूट गया हो किसी वजह से। हाँ नहीं तो इसमें जो है हड्डी तकती निकलती है, खेड़े के अंदर जो है हड्डी तकती निकल रही है। अच्छा, इंसान की हड्डी तकती नहीं निकलती और मिट्टी के बर्तन तक के निकलते हैं, जो आधे फुटे बर्तन मिट्टी के निकलते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया कि यहाँ पे गांव में ही अपने गांव में सन्नी में किसी के जैसे मटका या घड़ियाल निकला, उसमें सुनने वगैरह की मुद्राएं वगैरह कुछ ऐसी को सुनने में नहीं आया। मतलब सुनने में मतलब ये अफवाहें हैं, ये सच्ची भी कुछ सच्चाई भी है इन बातों में, वो सच्ची है, हम समाज कोई देखी नहीं। अच्छा, अभी तक कोई नहीं देखे दूसरी साइड, जो मतलब दूसरी पड़ली और जो अपोजिट साइड सुनने में आया था कि किसी का मकान ढह गया और वहीं से ही निकली है घड़ी वगैरह। घड़िया कोई निकल सकती है, छोटे मोटे घड़िया पर कुत्ते हिस्से अब भी निकल रहे हैं। दोस्तों, हमने आसपास की सब चीज़ें तो देख ली हैं कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ईंटें वगैरह हैं और यहाँ पे हड्डी वगैरह हैं, ये सब चीज़ आपने देख ली। यहाँ से मैंने एक गोला निकाल के दिखाया था आपको अभी, तो ये लगभग हमने यहाँ का सब चीज़ कवर कर ली है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और हम इस खेड़े को दूर से देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, हम थोड़ा पीछे आज गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, कोई एक मंजिला है, कोई दो मंजिला, और फिर हमारा बराबर में ही खेड़ा आ जाता है जो लगभग इन्हीं के बराबर ही है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ इस घर पे, जो ये टॉप है जहाँ पे आपको लकड़ियाँ दिखाई दे रही है, और वहाँ से अपने गाँव का नज़ारा दिखाऊँ कि हमारा गाँव ऊपर से कैसा दिखता है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता, कुछ कुछ लोग हैं जो जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता हमारा गांव वहाँ से। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, और इस खेड़े के चारों ओर हम एक राउंड लेंगे और जगह जगह की इसकी पिक्स और वीडियो बनाएंगे कि अलग अलग जगहों से खेड़ा कैसा लगता है। तो दोस्तों, इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे और पीछे जो आपने रोड देखी थी अभी, वो थी अपनी मवाना रोड, और ये हमारा सैनी का स्टैंड था, बस स्टैंड, ये चोपला था। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ही हमें ऊपर जाना होगा, खेड़े के टॉप तक हम पहुँचेंगे। और अभी हम वहाँ पे थे जहाँ पे आपने देखा होगा वो घर बन रहा है, वो ग्रीन सा घर अपना ही है। तो इसी रास्ते से ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ से लेना पड़ेगा हमें राइट। तो दोस्तों, आप सरप्राइज के लिए तैयार हैं, तो मैं आज चुका हूँ सबसे ऊपर टॉप पर, तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा अभी। तो शुरू करते हैं, 1 2 3। ये है अपना गांव सैनी, अपने सबसे मतलब टॉप से कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है अपना गांव। यहाँ पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पीछे भी घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे पीछे ज़्यादा ऊंचे घर नहीं नज़र आएंगे क्योंकि अब लेवल बिल्कुल ऊपर है, हम टॉप पे हैं, तो आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद में ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, इसकी छत से मैं और वीडियो बनाऊँगा, फ़ोटो क्लिक करूँगा यहाँ से भी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है गांव यहाँ से देखने पर। सोच रहा हूँ इस छत पे भी पहुंचा जाए किस तरह से। तो अभी हम आसपास का नज़ारा देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, थोड़ा नीचे फोकस करते हैं ऊपर का, और ये जो ग्रीन सा घर है, वाइट टंकी आपको नज़र आ रही है, अपना ही घर है। यहाँ से अभी मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, और जैसे कि मैं कहता हूँ कि हर वीडियो में कि ये फैक्ट्रियाँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, यहाँ पे भी फिर से हमें एक फैक्ट्री नज़र आ जाती है। तो दोस्तों, मैं एक लेवल और ऊपर आ चुका हूँ और बिल्कुल इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर मैं जा सकता हूँ इस गाँव में, तो ये सबसे बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ जो मैं बराबर वाला वो दिखा रहा था। तो आप यहाँ से देख सकते अपना गाँव, इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं जा सकता, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाते हैं,
ये देखिए ये अपना सैनी गांव है, यहाँ से ऊपर मैं नहीं। वाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना गांव यहाँ से देखने पर। दोस्तों ये हमारे खेड़े का सबसे ऊंचा टॉप है, मतलब सबसे टॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ से हम दूसरा गांव भी देख सकते हैं, मैं आपको दूसरा गांव दिखा देता हूँ जूम करके। ये दूसरा गांव आ जाता है यहाँ पे, कोई और यहाँ पे आना कामयाब हो चुका है कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ से आप आसपास के काफ़ी ज़्यादा गाँव देख सकते हैं, एक गाँव हमने अभी देखा, यहाँ पर फिर से दूसरा गाँव आ जाता है। हालाँकि कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि मैं जूम अच्छे से कर सकता। ये देखिए फिर से एक और फैक्ट्री ने हमें सामने आ चुके हैं, ये फैक्ट्री है, थोड़ा सा जूम करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे गड़गज भी देखने को मिलेगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको आगे देखने को मिलेगी वो वीडियो। तो ये अपना गड़गज आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से गड़गज ज़्यादा ऊँचा नहीं बराबर लग रहा है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है। और हमारे गांव के पीछे की साइड है और यहाँ से दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पंछी नीचे उड़ रहे हैं हमारे, ये देख सकते हैं कुछ पंछी आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा ये लाल सीट है, एक आदमी कैसी अंदर को बढ़ जाओ और कैसे निकल जाओ, कितना छोड़ा है, क्या है मतलब ये? अब पता नहीं क्या है, हमें तो भाई पता नहीं, कह रहे के कुछ वो है सुरंग सुरंग है कहीं की कुछ ना कुछ बनी हुई पहले जमाने की। अच्छा कुछ हमने दिखाई नहीं दिया, दिख तो गया पर सामने से दिखेगा, सामने से दिखेगा। अब वहाँ से आना पड़ेगा इनके घर पे, चलो देखते हैं वहाँ पे भी जाने है। अब पता नहीं भगवान गड़गज के बारे में कुछ जानते हो? गड़गज के बारे में नहीं, गड़गज के बारे में अंग्रेजों के जमाने का ये तो क्या करने आया था यार, अपन लोगों का अंग्रेजों के जमाने का इस्तेमाल कर आए हो अंग्रेजों ने। हाँ ज्यादातर अंग्रेजों का ही वो बताया जा रहा है इस पे। और इस अंग्रेजों से पहले तो ये थे कैरो पंडो। हाँ इनका कोई समय नहीं है, मतलब पता है कि कितना पुराने हो सकते हैं। तो ये सुना है को भीम ने जुटती झाड़ी, बड़े आदमी से सुनते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन भाई पता नहीं भाई झाड़ी ना झाड़ी, जैसे भीम का गोड्डा हरिद्वार में देखा हो तुमने। अच्छा भीम का गोड्डा देखा नहीं? जी जी गंगा जी पर देखा है बिल्कुल, ऐसे ही हाथी सुने इनको भीम का क्या कहते वो। बस मैं भी इसी उसमें हूँ कि कुछ सही वो मिल जाए, पर लेकिन सही वो नहीं पता कि कितना समय काल पुराना है या फिर किसने बनाए हैं किस वजह। अच्छा नहीं पता, ठीक है चलो कोई नहीं, कोशिश कर। दोस्तों जैसे कि बब्बा ने बताया कि यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे संतरी सा कुछ दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में, ये जो संतरी सी दीवार कोशिश कर रहा हूँ मैं दिख जाए आपको भी, हालांकि दिखनी थोड़ी मुश्किल है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुरंग है कोई और पांडव काल की बता रही जा रही है कि बहुत पुरानी है, तो इसकी तो सच्चाई अभी पता नहीं कि वाकई में उसी समय की है या अभी की है, जो भी है उसी समय की। अच्छा काफी ज्यादा पुरानी है, मस्त दिखाई दे रही साफ, यो सुरंग मस्त साफ दिखाई दे रही। दोस्तों नीचे जाके देखते हैं, अगर हम इसके सामने पहुंच जाते हैं तो पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों अब हम थोड़ी देर पहले ऊपर की साइड में थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम उस ग्रीन वाले घर से देख रहे थे थोड़ा इधर उधर का नजारा, अभी मैं थोड़ा नीचे आया हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे खेड़ा कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपने ईंटें वगैरह तो देखी होंगी कि हाँ इसमें ईंटें हैं हड्डियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ पे बीच बीच में पता नहीं ये दीवारें जो हैं इनके बारे में कोई नहीं बता रहा कि दीवारें क्या कर रही हैं बीच में, और ये एक जगह नहीं है इसके चारों ओर मतलब कहीं ना कहीं निकली हुई हैं इस तरह की कुछ दीवारें आप देख सकते हैं। एक बार और थोड़ा जूम कर देता हूँ, काफ़ी मतलब सारी ईंटें हैं यहाँ पे, काफ़ी मोटी दीवार लग रही है, छोटी मोटी कुछ मतलब दो चार ईंटें नहीं है। दोस्तों दीवार के बारे में तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें एक नए अंकल से बात करते हैं तो ये कुछ बताएंगे हमें खेड़े के बारे में। ये बताया जा रहा था कि इसमें पहले राजा महाराजा दीवार करवा के यहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती तो ये ऊंचा करके बनाया गया था, फिर अंग्रेजों ने यहाँ अपनी छावनी बनाई थी तो ये बड़ी बिल्डिंग जिसे गड़गज कहते हैं वो बनाया था कि दूर से देखने के लिए कि कहीं बाढ़ का पानी तो नहीं आ रहा, कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा। और कुछ लोगों का पुराने बड़े बूढ़ों का ये कहना है कि यहाँ भीम ने अपनी जुत्ती झाड़ दी
तो मतलब इसका समय का कोई वो निर्धारित नहीं है कि पक्का कुछ वो नहीं है, इसका कार्बन डेटिंग है, सरकार चाहे प्रशासन चाहे तो निकलवा सकता है। इसमें जगह जगह दीवार निकलती है, हड्डियां निकलती है, बिल्कुल पुराने बर्तन निकलते हैं, पानी पीने के मंदरा भाड़ निकलते हैं, बहुत सारे सारे खेड़े में ये चीज आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ लगा हुआ है, कुछ न कुछ निकल रहा है। तो हमारे अंकल ने भी यही बताया है कि इसके समय का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च की जाए या फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कोई ध्यान देना चाहे तो इसका पक्का हमें रिजल्ट मिल सकता है कि इसका समय कितना है, ये ईंटें किस वजह से हैं और इसको किसने बनाया है या पहले से खुद कुछ है या नेचुरली ऐसा है। लेकिन गड़गज को तो हमें मालूम है कि गड़गज बनाया गया, उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी गड़गज के बारे में मिलेगी। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे वो लकड़ी है उस जगह पे खड़ा था और वहां से गांव का नजारा दिखाया था। मैं और थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, साइड में आ चुका हूँ और अपना घर देख सकते हैं। ये घर यहाँ पे पहले बन रहा है, ग्रीन वाला अपना घर फिर से आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे का नज़ारा इस तरह से है आप देख सकते हैं। अभी मैं इस छत पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इस वाली पे थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा नजर। दोस्तों मेरा लेवल फिर से अपडेट हो चुका है, मैं फिर से और ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से फिर से हम अपने गांव को देखने वाले हैं। अपने काफी अलग अलग लोकेशन से ऊपर की हमारा गांव देख लिया है और जो लोग यहाँ पे मतलब हर जगह नहीं जा सकते, मैं तो जा सकता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं पीछे कैसा नजारा है, खेड़ आ जाता है। हेलो, और यहाँ पे हमारे आयुष मस्ती करते नजर आ रहे हैं इन्हें, ये देखिए। अब हम फिर से हम भी थोड़ा साइड में चलते हैं और इधर से देखते हैं, ये देखिए। देखते हैं और अरे जो हमारे दादा और उनके जो पिताजी हैं उनका बनाया हुआ घर, मतलब पुराना इतिहास से जुड़ा हमारे वो कह सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं अपने सफर की बात करता हूँ, मैंने अपना सफर किया था अपने घर से, ये जो ग्रीन सा है वहां से नीचे से, फिर मैंने आपको ये जगह दिखाई, फिर मैं धीरे धीरे इस छत पे आया, इसके बाद उस पे गया, वहां से फिर मैं यहाँ पे आया, फिर इस ग्रीन वाले घर में गया इधर, और वहां से जाने के बाद फिर मैं आया यहाँ पे नीचे, और इसके बाद फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे। और अब दोस्तों मैंने लगभग पूरा गांव जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था, मैंने कवर कर लिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगे या वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे मैं आपको एक बार और लास्ट बार यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार चारों ओर, और यहीं पर कर देते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, ठीक है। और मिलते हैं नई जगह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।